Jimmy? Eat it out. तुमने खरीद लिया? हाँ, परफेक्ट साइज तो नहीं मिला, मगर हमने किसी ना किसी तरह कर ही लिया, खुदा का शुक्र है। तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद थी, पर ये तो बहुत महंगा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं इसकी अदायगी कैसे कर पाऊंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कर रही हूँ। मैं जुर्म में शरीक हो गई हूँ। हमें इसको इसकी जगह पर फौरन रखकर इस सूरत हाल का खात्मा कर देना चाहिए। मिसेस फिरदौस लिविंग रूम में बैठी हैं। आओ चलो चल के रखते हैं। इस्त्री कर दूं? नहीं, बस इसे वहाँ पर रखो तुम। हाँ, इस्त्री करते वक्त तुम इसे जला सकती हो और फिर हम सचमुच असल मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। जाओ। नसरीन, नसरीन, जब मैं तुम्हें यहां बुलाऊं तो तुम आ जाए करो। इसको अच्छी तरह छुपा दो कहीं पे। ओके। मिसेस फिरदौस, आपको कुछ चाहिए? मेरी दवाई का वक्त हो गया है, मैं आवाजें दे रही हूँ मगर यहाँ कोई नहीं आ रहा। मैं आपको गोलियाँ देती हूँ। मुझसे दूर रहो, अगर कातिया के भरोसे पर रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कातिया की छुट्टी है तो मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। ठीक है, अब जाओ। उफ, मुझे तो लगा मेरी खैर ही नहीं है। सब ठीक है। हाय, मैं तुम्हें बुलाने जा रही थी। चलो पियानो का लेसन शुरू करते हैं। आप क्या पीना पसंद करेंगी? नहीं, कुछ नहीं। चलो। ढंगी लोग हैं यहाँ के, कोई काम ठीक से नहीं करते। मुझे लगा आप वॉक पर गई हैं, मुझे आपको चमेली के साथ देखकर हैरत हुई। असल में चमेली मेरे साथ मॉल तक जाना चाहती थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या नसरीन को नहीं पता कि आप लोग कहाँ गए थे? जब हम लोग जा रहे थे तो तुम अपने काम में मसरूफ थी शायद। आज हम मेंडलसन की प्रैक्टिस करेंगे। आपने क्या खरीदा? सिर्फ कपड़े। चलो लेसन शुरू करो। क्या हुआ? मुझे लगता है बहलूल आया है। मिस्टर बहलूल, वेलकम। वेलकम। कैसे हैं? हाँ, वही है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? क्या हम लोग छोटा सा ब्रेक नहीं ले सकते? निहाल, इन दिनों बहलूल को ज्यादा नहीं देख पाती हूँ, मैं जाऊँ? प्लीज लेसन पहले। चलो हम स्टार्ट करते हैं।
यहाँ आओ, कहाँ भाग रहे हो, किधर गायब हो? मैं यही था। तो फिर नजर क्यों नहीं आए? एक्चुअली पढ़ाई की वजह से मैं अच्छे मूड में नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे देखें। तुम्हारा ख्याल है कि मैं ये कहूंगी कि नो प्रॉब्लम, मगर मैं नहीं कहूंगी क्योंकि हम सब तुम्हें मिस कर रहे थे। आपको पता है मेरी पढ़ाई कितनी टफ है। उनको छोड़ो, आओ बातें करते हैं। ये मत कहना कि तुम सबक की वजह से यहाँ नहीं थे, असल वजह तुम्हारी गायब होने की लड़कियां हैं, कि मैं सही कह रही हूँ ना? हो सकता है कि आप सही कह रही हो। तुम हम सबको नजरअंदाज कर रहे हो, खास तौर पर निहाल को। असल में मैं तुमसे निहाल के बारे में बात करना चाह रही थी। किस बारे में? हो सकता है कि तुम्हें एहसास ना हो, मगर निहाल एक औरत बन चुकी है। वो जवान हो गई है पहलूल, और अपनी उम्र के पागलपन के दौर से गुजर रही है, मगर उसकी जिंदगी बटकर रह गई है। क्योंकि वो स्टूडेंट है। तुम पहले उसे छेड़ते थे, मगर अब उसे नजरअंदाज कर रहे हो। तुम्हारी तरह उसका एक भाई है, मगर वो यहाँ एक कैदी बनकर रह गई है, वो कुछ भी नहीं कर रही। तुम समझ रहे हो ना? उसे देख देख कर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। उसे मजबूर कर दिया गया है कि वो मिसेस डिनीस की दोस्त बनकर रहे, समझे तुम? मगर उसकी और दोस्त भी एलन है, दोनों अच्छी दोस्त हैं। मेरा ये मतलब नहीं था बहलूल। निहाल एक गैर सेहतमंदाना माहौल में पड़ गई है। ये सूरत हाल ऐसी है जैसे वो बोतल में रह रही हो, दोस्तों के साथ मौज मस्ती नहीं करती। वो जिंदा रहना कैसे सीख पाएगी, जिंदगी कैसे गुजारेगी? सब सीख ही जाते हैं। तुम उसके भाई हो, उसकी जिम्मेदार हो, उसकी रहनुमाई करो बहलूल। कह तो आप ठीक रही हैं। कभी भी शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई। हाँ एक बार ऐसा हुआ था। आप ठीक कह रही हैं। उसे कहीं बाहर लेकर जाओ, उसे घुमाओ फिराओ, उसे अपने सारे दोस्तों से मिलवाओ, वो तुम्हारे साथ एंजॉय करेगी। हो भी सकता है। और फिर वो लोगों के हवाले से एक राय कायम करने में कामयाब हो जाएगी। इस घर में वो हम लोगों के अलावा और किसी को देख नहीं सकती। बात तो सही लग रही है। मैं समझती हूँ कि वो अपने दोस्तों को घूमते फिरते देखती है तो अपने आप में जलती है। हो सकता है कि उसके गुस्से की वजह यही हो। ओके, मेरे ख्याल से करना पड़ेगा एक बार। तो फिर इसी वीकेंड पर जाओ, या फिर आज रात उसे ले जाओ, वो एंजॉय करेगी। उसे बताना नहीं कि ये सब मैंने तुम्हें कहा है। तुम्हें पता है ना वो किस कदर हसास है, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे ये बातें की हैं। वो इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगी पहलू। ठीक है रिया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चेंज करके आ जाऊं। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे। मिस्टर वैली से मीटिंग है, उसके बाद हम दोबारा बात करते हैं। ऑफ कोर्स। ओह मिस्टर अदनान, अदनान आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं असल में मीटिंग से भागना चाह रहा था, लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। हाँ बस हो गया। आई एम फाइन। अदनान साहब, हमें बिल्कुल नहीं पता हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। आपने इमदाद के लिए सारे बिजनेसमैन को जमा किया। मुझे सुनकर खुशी हुई। मिसेस पीटर जानती है कि इमदाद में 80% इजाफा हो गया है। अच्छी बात है, असल में ये आपकी कामयाबी है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मुबारक हो। पीटर ने भी बहुत हिस्सा डाला है। मुझे अपनी बीवी पर फख्र है। ओ, आप मुझे बिखार रहे हैं। सी यू टुमारो, गुड न्यूज रेडी रखना। गुड नाइट, बाय बाय। आपने देखा वो लोग किस तरह आपको देख रही थी?
मिस्टर अदनान, आपका शुक्रिया अदा कर रही थी बार बार। डोनेशन तो महज बहाना है, वो आपकी दीवानी हो रही थी। क्या वाकई? मैंने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया? मुझे पता है आपने नोटिस किया था, आपकी आवाज ही बदल गई थी, लुक ही चेंज हो गया था। तुम्हें जलन हो रही है ना? हाँ, हो रही थी। काश मैं उनको गौर से देख सकता। बिल्कुल भी नहीं, वरना आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूंगी। एक बार फिर हम लोग फिर मुकम्मल नहीं हैं। मेरे ख्याल में बीते ने बाहरी खाना खा लिया। मेरे पास एक वीडियो गेम है, डिनर के बाद खेलेंगे। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? बदकिस्मती से हम लोग कल रात गेम खेलेंगे। मैं कल नहीं खेल सकूंगा। लेकिन क्यों? मैं निहाल के साथ बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, इसका पता मुझे क्यों नहीं चला? अब तो पता चल गया ना। ये मुनासिब तरीका नहीं। क्या तुम लोगों को इसी तरह इनवाइट करते हो? कार्ड भेजा करूं तुम्हें? क्या तो दिया तुमसे? तुम्हें घूमने फिरने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली तो मुझे इनवाइट कर लिया। बुरी बात। इसको कुछ मत कहिए। तुम चल रही हो कि नहीं ये बताओ। जिस तरह से तुम मुझे इनवाइट करोगे मैं नहीं आऊंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ घूमना फिरना चाहता हूँ। आप ठीक है? बिल्कुल। You're a big girl now. अब वक्त हो गया तुम्हारी लाइफ अलग हो। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही हो अब, जो घर पे बंद पड़ी रहो वीकेंड्स पर। वीकेंड्स पे अब मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। याद रखो तुम वादा कर रहे हो। हाँ, पक्का वादा। तुमने मुझसे भी बहुत से वादे किए, मगर इसके लिए हमारे पास बहुत वक्त है और बाद में भी बात हो सकती है। मुझे पता है, इसीलिए मुझे ये बातें पसंद नहीं है। तुम्हें पता है मैं क्या कहने वाली हूँ? मुझे तफसील से बताओ। हमने नया ड्रेस खरीदा और इसे उसकी जगह पर रख दिया। हम उसकी तलाश में मारी मारी फिरे, परफेक्ट कलर मिल ही नहीं रहा था। मत पूछो, जब कलर दुरुस्त मिल गया तो साइज का मसला खड़ा हो गया। क्या बताऊँ, एक बार फिर हमें बहुत वक्त ढूंढने में लग गया। इस वाक्य से सबक सीखो, अब किसी और का लिबास कभी मत पहनना, खासकर मिसेस फिरदौस की चीजों को तो हाथ भी मत लगाना। मैंने किसी अहमक की तरह नेल पॉलिश गिरा दी थी। मेडमुजाइल ग्रेट खातून है, मैं एक बार फिर उनकी तारीफ करूंगी। उन्होंने सारे पैसे दे दिए। कोई आ रहा है। मिस्टर अदनान होंगे, जाओ। वेलकम। थैंक यू। कैसे बशीर? कार के हवाले से परेशान मत हो, उसे सीधे गैराज में ले जाओ। ओके। बैलून जल्दी आ गया, मुझे हैरत हो रही है। क्या कल बैलून भी तुम लोगों के साथ जा रही है? नहीं, उसे अब बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मेरे ख्याल में तुम्हें पहले डैड से बात करना चाहिए, तुम्हें बहुत पोलाइटली उनसे पूछना चाहिए। इन दोनों ने उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मगर हम बात कर चुके हैं और अब सब ठीक है। अब अगर तुम्हारे डैड ने नो कह दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं कुछ करती हूँ, तुम फिक्र मत करो। कैसे हैं सब लोग? हेलो एवरीवन। हाँ हेलो, वक्त पर आ गए हो। मैं इनसे आपके लिए खाना मंगवाती हूँ, क्योंकि आपको देर हो गई थी तो हम समझे कि आप नहीं आएंगे। नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी, अदनान का मुझे नहीं पता। दोपहर में मैंने जबरदस्त खाना खाया था, मैं कुछ फल खाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। बीतर ने बताया था कि बहलूल आपको लंच पर ले गया था। जी हाँ। तुम मेरे डैडी को ले गए, सिस्टर को बाहर लेके जा रहे हो, इस वीकेंड पर तुम हम सबको अपने साथ लेके जाना।
ओके प्लीज एक्सक्यूज मी, तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो? क्या हम लोग आ गए इसलिए? मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे पढ़ना है। हम दो ग्रेजुएट्स की सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बाय द वे, मैं निहाल के साथ बाहर जा रहा हूँ, आपकी इजाजत चाहिए मुझे। निहाल के साथ कहाँ? ये तो अभी मुझे नहीं पता, कुछ खाएंगे पिएंगे डांस करेंगे। क्या आप जाने देंगे? हाँ हाँ तुम जाओ बिल्कुल बैलूल के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। Oh, I love you, Daddy. बैलूल तो चला, डिनर का शुक्रिया। Good night. डैडी अब ज्यादा सख्त नहीं रहे और ये अच्छी बात है। मैंने तुम्हें सिर्फ बैलून की वजह से इजाजत दी है। थैंक यू डैडी। जवानी भी क्या चीज होती है, अगर मैं फिर से जवान हो गई तो बहुत पुरजोश हो जाऊंगी। मगर आपका दिमाग तो आज वाला ही होगा। यकीनन। आप 18 साल की हैं, फिर तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत खतरनाक मम्मी होंगी। ये दवाई का वक्त हो गया और तुम्हें कुछ प्राइवेसी की जरूरत भी है, इसलिए मैं चलती हूँ। आप क्या हम लोग भी चलें बुलंद? हाँ क्यों नहीं, आओ चलो। डैडी देखे नहीं मुझे छेड़ रहा है। बैलूल इसकी कोचिंग कर रहा है ना। और आप समझते हैं कि इस हवाले से कुछ भी नहीं किया जा सकता। थैंक यू बुलंद। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हैव अ स्वीट ड्रीम्स। बॉन एपेटिट। गुड नाइट। ओके मिसेस डेनिस, गुड नाइट। रूम में चले अपने। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट निहाल। गुड नाइट। आराम से जाओ। रुको तुम। अरे बुलंद सॉरी, ठीक तो हो ना? उठो। क्या हुआ? ठीक हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सीढ़ियां चढ़ते वक्त पाँव मुड़ गया। तुम कहाँ थी कातिया? मैं आपको यही कहने आ रही थी कि मैं आ गई हूँ, इसके अलावा भी आपसे कुछ कहना है मुझे। वो मुंह के बल गिरा है, उसके जबड़े में चोट आई है, मुझे देखने दो। दिखा मुझे। मैंने उसे प्यार किया, वो ठीक हो जाएगा। काश कि तुम मेरी बात सुन लेते। चलो चल के इस पे बर्फ लगाते। मैं ठीक हूँ मदमुजेल, देखिए सच में। सुनो तुम उसके लिए एक बैड एग्जांपल हो, समझी? मुझे देखे तो तुम क्या पढ़ रहे हो? देखो तो जरा कौन कह रहा है कि मैं खराब मिसाल हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से। झूठे, तुमने सबको बताया कि तुम पढ़ रहे हो। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम बहुत मुख्तलिफ हो। मुझे लगता है कल तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहती हो। I'm sorry, तुम्हारे बाल जबरदस्त है, तुम बहुत हैंडसम हो। तुम बहुत बड़ी चापलूस हो। प्लीज आउट। गुड नाइट। क्या आपने खून दिया है? कुछ सीरियस नहीं, बस अपना चेकअप करवाया मैंने। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बस रूटीन का चेकअप था, मैं हर साल करवाता हूँ, कल कुछ टेस्ट और भी होंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे ये कोई जरूरी नहीं है, तुम परेशान मत हो। सॉरी
सब काबू से बाहर होता जा रहा है। क्या मैं नसरीन और चमेली को बुलाऊं? नहीं, डिनीस सिचुएशन से आगाह है, उसे ज्यादा मत उछालो। हम कुछ नहीं कर सकते, वो महज एक हादसा था। क्या आप ऐसा अनजान बन जाना चाहती हैं कि वो लोग आपके कमरे में गए हैं और आपको पता ही नहीं है? मैं एक बार फिर से किसी भी किस्म की मुश्किल में फंसना नहीं चाहती हूँ कातिया। अब जैसा मैं तुमसे कहूंगी तुम वैसा ही करोगी कातिया। सोचा आपने कुछ? बिल्कुल। क्या तुम सो रही हो? नहीं, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास नेल पॉलिश रिमूवर है? मेरे पास खत्म हो गया है। मेरे हाथ खराब हो रहे हैं, मैं इस नेल पॉलिश के साथ कल बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने पूछा रिमूवर है? क्या तुम्हारा ड्रेस नया है? तुम्हें पता होना चाहिए, ये मुझे मिसेस फरदौस ने दिया है। वाकई? कब दिया? आज रात। इनको ये नहीं चाहिए था, वो उसे फेंक रही थी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ओह, मैंने कहा था ना वो नहीं बताएगी। अरे हाँ, तोबा तोबा, हमने कातिया को नया लिबास खरीद के दे दिया। ये क्या किया हमने? माफी चाहता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हम मिसेस डिनीस को बता दें? नहीं, उनको दिल का दौरा पड़ सकता है। तोबा तोबा। हमने कातिया को 2000 रुपए का ड्रेस दे दिया। ये पैसे हमारी तनख्वाह से काट लिए जाएंगे। आने वाली है। मुझे गुस्सा आ रहा है, हमें मेड मुजाहिल से बोलना ही नहीं चाहिए था। ओके। वो कातिया को इस ड्रेस में नहीं देख सकेंगी और कातिया भी उसे हमारे आसपास पहनकर नहीं घूमेगी। मुझे शर्म आ रही है कि उन्होंने 2000 रुपए हमें दिए, और वो भी तुम्हारी वजह से। इसी माह में हमें अदायगी करनी होगी। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है। अब इस बहस को खत्म करो, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। अरे हाँ, हम लोग नहीं चाहते कि तुम किसी और मुसीबत में मुब्तला हो, यही काफी है। दोनों जब भी मुझे देखती हैं तो बर्फ की तरह जम जाती हैं। उन्होंने मुझे रिमूवर तो दे दिया मगर ऐसे देखती रही। जब तुमने बताया कि मिसेस फिरदौस ने वो ड्रेस दिया है तो उनका क्या रद्देअमल था? मैंने कहा कि उनको नहीं चाहिए, इससे उनको तकलीफ पहुंची है। देखने वाला मंजर होगा। कम इन। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल अंदर आने को चाहा। खुशामदीद निहाल। कातिया अपनी रिलेटिव से मिलने गई थी, उनकी नकली उतार रही थी। क्या वाकई? बैठो। और
मैंने क्या कहा था? किस बारे में? पहलू ने तुम्हारे करीब आना शुरू कर दिया है, राइट? ऐसा नहीं है। हाँ, पर मुझे पूरा शक है। क्या आप कुछ जानती हैं? अगर कुछ जानती हैं तो बताइए प्लीज। मैं अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर बात करी। अच्छा? हाँ निहाल, मुझे इसका पूरा यकीन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ आओ भीतर। क्या बातें हो रही है, मुझे भी तो पता चले। कुछ नहीं, मैं इन्हें गुड मॉर्निंग कहने आई थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। तो आज रात के लिए बहुत एक्साइटेड हो ना? ओके, थैंक यू। सी यू। सी यू। कल तक तो आप इसे एक बूढ़ी चिड़चिड़ी औरत कहा करती थी। कम ऑन, वो मोहब्बत में मुब्तला हो गई है। क्या उसे कोई मिल गया है? वो ऑलरेडी मिल चुकी है बहलू से। नामुमकिन है। मैं ठीक कह रही हूँ? वो लोग बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, तुम देखना। फजूल बातें मत करें। इसमें क्या बुराई है? बहलूल और निहाल नामुमकिन है ये। लेकिन इनका खूनी रिश्ता तो नहीं है। मम्मी आप फजूल की बातें कर रही हैं। ये लोग साथ पहले बड़े हैं। अदनान ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर ये दोनों चाहेंगे तो अदनान भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आप जानती हैं? मैंने दोनों से अलग अलग बातें की हैं और उनसे मतलब निकाले। बहलूल ने क्या कहा? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, मगर मैं समझती हूँ सब कुछ वाजी है। तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैं निहाल की स्टेप मदर हूँ। मेरी राय भी इम्पोर्टेंट है, मैं भी बताना चाहूंगी। मुझे लगता है दोनों एक साथ क्यूट लगेंगे और इस बात को दोनों आहिस्ता आहिस्ता महसूस करने लगे। इस गर्मी में उनका स्कूल खत्म हो जाएगा, दोनों मंगनी भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहलूल किसी मास्टर प्रोग्राम में शिरकत करने जाएगा। हो सकता है कि वो जल्द ही आर्मी ज्वाइन कर ले। उसके जाने के बाद हो सकता है कि निहाल आज स्कूल ज्वाइन कर ले और जैसे ही बहलूल वापस आएगा वो बिजनेस शुरू कर देगा। उसका स्कूल उसके रिश्ते की रुकावट नहीं बनेगा। गलती से भी ये सब कुछ अदनान के सामने मत कह दीजिएगा, सब कुछ बकवास। मुझे कोई परवाह नहीं इसकी, मगर मैं समझती हूँ कि दोनों बहुत क्यूट हैं। तुम वही ड्रेस पहनना जो तुमने कॉन्सर्ट पे पहना था, तुम पर बहुत अच्छा लगता। आप मजाक कर रही है राइट? मैं बहलूल के सामने बच्ची नहीं लगना चाहती। अच्छा, तो फिर तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी? असल में मिसेस फिरदौस से ख्याल है मुझे कुछ अलग पहनना चाहिए। अपने लिबास के हवाले से तुम मिसेस फिरदौस से मशवरा ले रही हो? आह कम ऑन प्लीज, दिल शिकने वाली बात ना करें। नहीं ऐसा नहीं है, मगर डिनर पर तुम उनसे काफी क्लोज नजर आए। क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसका मुझे इल्म नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो इस घर में है और अमूमन अकेली होती है। अब मुझे उन पर तरस आने लगा है, बस इतनी सी बात है। ओके हनी, ऑफ कोर्स तुम उनसे मशवरा कर सकती हो, वो एक खुश लिबास खातून है। जी हाँ, अपनी उम्र की मुनासिबत से। क्या इस बार मैं अपने बाल कर्ल करूं? लेट्स ट्राई। मैं जीन्स पहनू या स्कर्ट? क्या जीन्स पहनू? आपको क्या लगता है? आप बताइए ना। यस डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी रिपोर्ट्स एथलीट की तरह हैं। अच्छा,
तो फिर हम लोग बहलूल और निहाल के साथ बाहर क्यों ना चले? ये कुछ ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल में। अगर तुम चाहोगी तो हम चलेंगे। नहीं हनी, मैं तो मजाक कर रही थी। इस वक्त क्या कर रही हो तुम? पता नहीं कि क्या करूँगी। क्या यूनियन वाले तुम्हें रोक रहे हैं? नहीं, वो तो मैंने फोन पे ही निपटा लिया। गुड, हम लोग कहीं बाहर चलेंगे, घूमे फिरेंगे। अच्छा ये बताओ कि आज हम पेनिनसुला चलें? ठीक है। तुम्हारी मामा को भी ले लें साथ? नहीं, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रही हैं। तो ठीक है, फिर तुम शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ऑलराइट। मुझे कल के लिए कुछ काम करना है, नोट्स बनाना है, स्टडी करनी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कैसे हो बहलूल? हेलो निहाल।
अनुराग, अजान, अली, ये दोनों मेरे डिवीजन में। हेलो अली, क्या पियोगे? मैं कोक पीऊंगा, मुझे ड्राइविंग भी करनी है। एक कोला और एक बियर दे। ओके। निहाल है मेरी कजिन। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कि आप लोग कजन्स हैं। आप निहाल जागिल हैं, राइट? जी। और ड्रिंक्स मंगवाते हैं? नहीं, मैं और नहीं पीऊंगी, जो पी लिया वही काफी है। बहलू, बहलू, मुझे फ्रूट जूस पीना है। हाँ, ऑफ कोर्स। सिर्फ चेरी जूस? मैं तो मौज मस्ती के लिए तैयार हूँ। हाँ, मजा आएगा। वो मदमज़ेल नहीं हो सकती, राइट? वेलकम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये प्ले बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ओ मेरा प्यारा बेटा। वो अकेला घर पे रहा इसलिए शिकायत करते करते सो गया। मैं अपने बेटे को बेड पर लेटा था। रुकिए, उठाऊं तो सही। बेबी रूम में चले सोने? क्या आप हैं? हाँ हम लोग। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? आओ अपने कमरे में चलो। क्या निहाल और बहलूल आ गए? नो माय डार्लिंग, अभी नहीं आए, वो लोग आ जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वो लोग किस वक्त गए? 9 बजे के करीब। बहलूल ने खाने के लिए रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाई थी, उसके बाद वो लोग क्लब जाएंगे। क्लब का नाम उन्होंने बताया था मगर मैं भूल गई। निहाल ने आज बहुत अच्छे बाल बनाए थे, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, सच में एक टीनेजर लग रही थी। प्रिटी यंग लेडी। बाय, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। मैं भी सोने जा रही हूँ, ये रखा रिमोट। गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you. Good night. Good night, madam. Kushamdeed. Thank you. क्या आपने रात का लुत्फ उठाया? हाँ, मगर मैं थक गई हूँ। क्या सब घर में है? मिस्टर अदनान और मिसेस भीतर घर पर हैं। निहाल अभी तक नहीं आई है। आप सोने जा रहे हैं हनी? हाँ, चलो तुम भी सो जाओ। जी, बस आ रही हूँ। ओके।
बशीर का ले जाएगा। मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी, you are really great. क्या हम अगले हफ्ते भी जा सकते हैं? अगले हफ्ते हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ से इस्तांबुल का मजा आ जाएगा। क्या म्यूजिक होता है वहाँ पे, क्रेजी जगह, नाइस, मजा आ जाएगा वहाँ पे। पहली दफा जब गया था, क्या म्यूजिक था वहाँ पे, दोस्तों के साथ हम लोग गए थे, बहुत मजा आया था। यकीन करो तुम भी जाओगी तुम्हें मजा आ जाएगा। मुझे इसकी फिक्र नहीं, आखिर तुम मेरे साथ होगे। काफी दिनों बाद मुझे बहुत मजा आया। गुड नाइट। हर चीज के लिए शुक्रिया बहलूल। It was my luck. काफी दिनों बाद मुझे बहुत मजा आया। Good night. Once again, good night. निहाल,
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? श्योर। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या मतलब तुम्हारा? ये बहुत खतरनाक बात है, वो अभी बच्ची है छोटी सी। अरे आप कहना क्या चाह रही हूं? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात गौर से सुनो, निहाल से दूर रहो। निहाल से दूर रहोगा क्या मतलब है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? बीतर कह रही है कि तुम्हारे स्कूल का आखिरी साल है ये। इसी तरह अगर वीकेंड मनाया जाता रहा तो पढ़ाई तो गई। यकीन नहीं होता। क्या अब आप मेरी स्कूल लाइफ के हवाले से फिक्रमंद हैं मिस बीतर? क्या अब आप मेरी भी जिंदगी में मदाखलत करेंगी? तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे बाबा तुम्हारी स्टडीज के लिए कितने परेशान रहते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी तवज्जो हट जाए पढ़ाई से, इसीलिए मैंने सोचा कि आखिरी साल है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और तुम इन चक्रों में लग जाओ। बस यही बात थी। प्लीज बीतर, मुझे अपने हवाले से पीठ पीछे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। अगर वीकेंड पर थोड़ी तफरी कर लेती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगा रही हूँ। मेरा भी ये ख्याल है। ओके, आई एम सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों फसल बातें कर रही थी? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ की तरह एक्ट करने की कोशिश करिए। मुझे उसकी जरूरत नहीं, उसे मेरे मामला से दूर रहना चाहिए। देखो कोई ऐसा इशू नहीं है, जस्ट लीव इट। हम एक रात बाहर गए, सिर्फ एक रात, और वो पागल हो गई। तुम उसे इग्नोर करो, तवज्जो ही मत दो ना तुम। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे अगर वो हमारे मामला में दखल नहीं देगी। बहुत हो गया निहाल, आज के बाद से हम हर वीकेंड बाहर जाएंगे। यानी मैं बनूं कुर्बानी का बकरा और हर बात की जिम्मेदारी मुझ पर आए? मैं अच्छे ग्रेड से स्कूल कंप्लीट करूंगी और वो देखेगी। अंग, अंग। उसे बता के रहूंगी, तुम देखना। बीतर आप जाग रहे? क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? बस अभी अभी अपना काम मुकम्मल किया है। एक मजमून तैयार किया है जिसे मैं तमाम मेंबर्स को भेजूंगी। स्पॉन्सर्स के लिए मैंने स्कूल की जरूरियात की ग्रुप बंदी कर दी है। वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। खुद को जरूरत से ज्यादा मत थकाओ। काम से क्या थकना, मैं फ्रेश हूँ। मगर मुझे भी नजरअंदाज मत करो। कभी नहीं।
क्या हुआ? मैं आपके लिए एक नोट लिख रही थी, कार लेने वापस आऊंगी। कहीं जा रही हो? मैं कर लूंगी नाश्ता, आप भी कर लीजिएगा। कुछ और लो, काफी ठंड है। ओके। तुम पसंद करो तो मेरा इंतजार कर लो, नाश्ता कहीं बाहर करेंगे। अभी मैं जाती हूँ, उसके बाद एक काम करूंगी, जब फ्री हो जाऊंगी तो आपको कॉल करती हूँ, फिर हम कुछ मैनेज कर लेंगे। हाँ ओके डियर। जल्दी उठनी? हाँ कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ जल्दी। नाश्ता कर लिया हमने? आफ्टर वॉक। भीतर साथ साथ वॉक करते हैं। ओके। सच में काफी सर्द है। क्या ख्याल है, चाय का मूड है? नहीं, मुझे वापस जाके कार भी लेनी है। रहने दे वॉक। भीतर हमें वॉक करनी चाहिए प्लीज। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये बता रहा था कि मुझे नाश्ता करना है। मैं अभी आपको नाश्ता तैयार कर देती हूँ, अभी फौरन। शुक्रिया। अदनान ने नाश्ता मांगा है, आइए इनका नाश्ता तैयार कर देते हैं। कम ऑन, लेट्स हरी अप। जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो सभी सुबह उठ गए हैं, भीतर और बहलुल वॉक को गए हैं। भीतर साहिबा की बात तो समझ में आती है, मगर बहलूल वीकेंड पर इस कदर जल्दी कैसे बेदार हो गया? इसके बावजूद कि वो निहाल के साथ तफरी करने के बाद काफी देर से लौटे थे। कम ऑन, बातें बंद करो और अपना काम करो। चमेली, ये अखबार डाल कर आओ, मिक्स मत करना, मिस्टर अदनानी ने पढ़ेंगे। मुझे अखबार खड़े करना है। दो अच्छी सी चाय। ओके सर। मैं इस टेंशन से बुरी तरह तंग आ चुका हूं, ये सब बिल्कुल फजूल है।
लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का सामना ना हो। मैं कल तुमसे बात करने तुम्हारे कमरे में आई थी, मैं तो दूर नहीं भाग रही। शुक्रिया। मतलब जो भी मसला था उसके ऊपर बैठ के डिस्कस करें ना। मैं निहाल के बारे में सोच रही थी बहलोल। वो एक हसास बच्ची है, तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ। मुझे लगता है मैं इस घर वालों के लिए बहुत खतरनाक हूँ। एक तरफ तुम और निहाल और दूसरी तरफ अंकल, तुम मेरी वजह से काफी परेशान हो। हम लोग अपने लिए बातें नहीं कर रहे बहलू, टॉपिक मत बदलो। मैं उस दबाव और मायूसी के लिए फिक्रमंद हूँ जो निहाल को हो सकती है। मुझे पता है कि तुम पैकर के साथ बहुत अच्छे थे, मगर तुम निहाल को उदास कर दोगे। आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। समझो, वो नौजवान लड़की है बहलू, तुम्हारे पास कुछ सोचे समझे बगैर उड़ के आ सकती है। ख्याल रखो उसका, और तुम्हें रखना चाहिए। देखो, उसके जज्बात से मत खेलना। मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाह रही थी। आप जा रही हैं? कुछ काम है। सी यू लेटर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस फिरदौस। क्या बीते जाके मिस्टर अदनान? नहीं, वो तो जा चुकी है, काफी देर हुई। क्या वाकई? बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। निहाल कहाँ है? वो जाग तो गई है, मगर अभी तक नीचे नहीं आई। नहाएगी, धोएगी, कपड़े पहनेगी, फिर नीचे आएगी। पहले इनसे बात कर रही है, अभी आ जाएगी नीचे। लगता है लंच के वक्त तक आएगी। हम वहां से चले तो हमें भूख लग रही थी। बहलूल मुझे उस रेस्टोरेंट में ले गया जो सुबह तक खुला रहता है। इतना जबरदस्त था। सिर्फ बहलूल और तुम? हाँ बिल्कुल। तुम बहुत बुरी हो निहाल, तुमने मुझे एक फोन तक नहीं किया है। अब हम अक्सर बाहर जाया करेंगे, तुम्हारी उम्र का मसला खत्म हो जाएगा तो तुम भी हमारे साथ जा सकोगी। तुम बहुत बुरी हो निहाल। हाँ हूँ। रुको, तुम्हें बहलूल के कमरे से एक लाइव शो सुनाती हूँ। हाँ जरूर, जल्दी सुनाओ। बहलूल कहाँ है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहलूल नाश्ते की मेज पर है? नहीं, वो भीतर के साथ वॉक पर गए हैं। रखती हूँ, पहले बाद में मिलते हैं। मेरे डैडी नाश्ते के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगा आज तुम लेट उठोगी। ये लोग रात के 3 बजे आए थे। इतनी देर से? ये लोगों की मिली भगत थी। तुमने कल अच्छा वक्त गुजारा? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा गुजारा। बहलूल की कंपनी बहुत जबरदस्त है। मुझे लगा कि आप बहलूल के साथ वॉक पर गई हैं।
मैंने चमेली से बहलूल का पूछा तो उसने कहा कि आप वॉक पर गई हैं। हाँ मैं गई थी, उसी वक्त बहलूल भी बाहर निकला तो हम साथ चले गए, लेकिन इतनी सर्दी थी कि मैं वापस आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। काश तुम एसोसिएशन का प्रोग्राम मंसूख कर देती, मौसम बहुत खराब है। मैंने कर दिया है हनी, लेकिन कुछ प्लान करते हैं, घर पे नहीं रहेंगे। ओके। तो प्यारी निहाल बताओ, कल रात तुमसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की थी वहाँ? बहलूल ने कहा मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तुम वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। डिनर कैसा था? डिनर शानदार था। फिर हम लोग कुछ और जगहों पर भी गए थे, बार में भी बैठे थे। मैंने चेरी वॉडका की कॉकटेल पी थी और बहलूल ने भी एंजॉय किया था। गुड। और फिर उसके बाद उसके कई दोस्त आ गए थे। तुमने वहाँ एलिफ को देखा? नहीं, अरसा हो गया, उनके दरमियान से कुछ खत्म हो गया है। किस कदर मजे किए हमने, सब कुछ सुपर था, सुपर वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही दिन मेरे आने वाले हैं बहुत जल्द, कम से कम 7 साल बाद। अगर वो 3 बजे सुबह आया है तो मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि वो इतनी सुबह उठ गया होगा। हैरत अंगेज बात है। उसने बहुत थोड़ी ड्रिंक की थी, हो सकता है इसी वजह से। मतलब? मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए कई बार फोन किया, मगर तुमने मेरी कॉल वसूल नहीं की। तुम ये तो नहीं समझ रही मैं कार के पैसे तुमसे मांगूंगा? यहाँ नहीं, मैं यहाँ बात नहीं करना चाहती। मुझे कार की कोई परवाह नहीं अलर, मैंने उसे बेच के एक नई कार ले ली है। I don't care. मुझे तो ये हैरत हो रही है कि तुम और ये घटिया कर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। Alif, I miss you. बहलूल, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी। निहाल, क्या तुम मुझे इश्तिहारत वाली सफात दोगी? मुझे किराए का कोई मकान देखना है। थैंक यू। इसमें बहुत सारे हैं, ये देख ले मम्मी। आप कहाँ जा रही हैं? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना डैडी? क्यों नहीं, मैं तो खुद यही कहता हूँ। मिसेस फिरदौस को यहाँ से जाने मत दे प्लीज, ये यहाँ हमेशा रह सकती है। ओ निहाल डार्लिंग, क्या ये सब कुछ तुम दिल से कह रही हो? तुम बहुत स्वीट हो। हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा घर है, किराए के मकान की क्या जरूरत है? क्या मैं गलत कह रही हूँ भीतर? नहीं तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर मम्मी को कहीं और जाना है तो हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना। एक नौजवान आर्टिस्ट के हवाले से नुमाइश है। कहाँ पर है? बेकरस के हवाले से बहुत अच्छे ख्याल रखती है। मैं तो जाऊंगी जरूर, आप लोग भी चले ना। हम भी देखेंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा। मैं तो कह चुकी हूँ कि मुझे एसोसिएशन पे जाना है, तो मेरे पास तो अच्छा बहाना है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आज सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ और यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक अपना लगेज तैयार करूँ और बस भाग जाऊँ। ओके, मगर मुझे इसका इंतजाम करने दो। क्या बात है, अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप मुझे क्या सरप्राइज देंगे। यंग बॉय, मैं तुम्हें कोई ऑफर नहीं कर रहा हूँ, आज और कल मुताले के लिए तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है। हाँ सही, ये खुशी की बात है। बहुत अच्छे, तुमने उस प्रोग्राम के लिए आखिर डैडी को मना ही लिया, बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो। हम अब भी हनीमून पर हैं, इसीलिए वो मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। क्या ये कभी ना खत्म होने वाला हनीमून है? इंशाल्लाह। नहीं करें। क्यों? ये मत करें प्लीज, ये मत करें। नहीं करें, ये मत करें। आ
आज सुबह तक मैं दर्द महसूस कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अब ये कभी नहीं होगा। अब हम लोग साथ साथ फिर से घर जा रहे हैं। This is life. तुम इसलिए आए कि तुम्हें पता था कि मैं स्पोर्ट्स सेंटर में होंगी। मैंने कहा ना, I missed you. कौन था? देखो, तुम फिर मेरे साथ वही बातें कर रहे हो। जब मैं करती हूँ तो तुम हंगामा मचा देते हो। नहीं, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता था, जब हम एक दूसरे नहीं मिल रहे थे तब तुम्हारी जिंदगी में कौन था? कोई भी नहीं। हम लोग एक महीने तक अलग रहे, कोई तो होगा जिससे तुम मिल रही होगी। तुम मुझे अपनी तरह समझ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी औरतें रही हैं। रही है ना? एलिफ, आगे देखो, पीछे मुड़कर मत देखो प्लीज। मैं बाहर जा रही हूँ, पैकर वक्त से पहले गैलरी जाना चाह रही है। निहात उसके साथ होगा। केयर टेकर ऑलरेडी जा चुका है। इंशाल्लाह मैं उनके आने तक मामला संभाल लूंगी। तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, हो सकता है मैं क्लब जाऊं। ओके बाय। ये सही है? ठीक है, ये आप समझ गई? मैं इसे बंद किए बगैर रुक नहीं सकती। हो सकता है तुम कुछ देख सको इसमें। मिसाल के तौर पर ये देखो, ये क्या है? मुझे नहीं पता, दरख्त की तरह कोई चीज है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आप इस घर में हमेशा रह सकती हैं। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने सुना भीतर? क्या बात है। आप वापस कब जा रही हैं? हम लोगों को आखिर प्राइवेसी मिली गई? कल रात के बारे में मुझे बताओ। मैं क्या बताऊं, सब कुछ वंडरफुल था। बहलूल के बारे में बताओ। कम ऑन, बताओ ना। एक कार ड्राइवर के साथ हमारे पास होनी चाहिए। ओके, एक मिनट, क्या तुम मुझे इजाजत दोगी? जब प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मगर मैं अभी से हैरान हो रही हूँ। तो तुम अपना सूटकेस पैक करो। तमाम लड़कियां उससे ही देख रही थी। मैंने उसे कहा कि देखो, सारी लड़कियां तुम्हें देख रही हैं। तो उसने कहा, मेरे साथ भी एक खूबसूरत लड़की है, मेरी आंखें किसी और को नहीं बस तुम्हें देख रही हैं। वो बहुत पागल है। देखा मैंने क्या कहा था तुमसे। आप बच्ची के जहन में फजूल बातें डाल रही है मम्मी। ये फजूल बातें नहीं है, ये हमारी आपस की बातें। क्यों? हाँ, हमारे लौट आने तक भीतर सोई नहीं थी। इनको डर है कि मैं नाइट लाइफ की आदी हो जाऊंगी। वो बहलूल से कह रही थी कि निहाल से दूर रहो। अगर मुझे पता होता कि मुझे गलत समझा जाएगा तो मैं कभी कुछ ना कहती। ये तुम्हारा आखिरी साल है और मैं तुम्हारी स्टडीज की वजह से परेशान थी, लेकिन अब कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। ओके, प्रोग्राम रेडी हो गया है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं डार्लिंग? हम लोग मेफेयर में लंच करेंगे और कॉन्वेंट गार्डन के होटल में कयाम करेंगे। मुतबादिल के तौर पर होटल ही होगा, कोई और जगह। हम लंदन जा रहे हैं। मैंने कल रात के लिए थिएटर के दो टिकट भी बुक करा लिए हैं। ओके। जब छुट्टियां आएंगी तो हम एक और लंबा ट्रिप लगाएंगे। ऑफ कोर्स, अभी आपका ट्रिप बहुत अच्छा है। अपना ख्याल रखना सब लोग। ओके, देख ले मिसेस फिरदौस, एक और वजह सामने आ गई कि आप हमें कैसे अकेला छोड़ सकती हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे स्टार के बाद मुझे किराए के मकान का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ मम्मी, आप कहीं मत जाएं। अदनान तो कई बार कह चुके हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, प्लीज। मैं यही रहना पसंद करूँगी, मुझे यहाँ आराम है और यहाँ के लोगों से मुझे प्यार है। फिर ये कि मेरी बेटी भी नजरों के सामने रहेगी। ये अच्छी बात है। आप लोग जाएं, हम बाद में बात कर लेंगे। ओके, चलो अब तैयार हो जाओ।
ख्वाहिश में बेकर की गैलरी में चलना चाहिए। ओके, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ठीक है। पीर की सुबह वापस आ जाएंगे, रात का डिनर कैंसिल मत करना। भीतर सिर्फ हमारे लिए जल्दी मत आओ, डिनर कैंसिल कर देते हैं। नहीं डियर, हमें हर हाल में वापस आना है। अदनान को कुछ काम है एक्चुअली। ठीक है, फिर पीर को मिलते हैं। मिस्टर अदनान को मेरा सलाम कहना। वालेकुम सलाम, वो भी तुम्हें सलाम कह रहे हैं। सफर मुबारक हो। थैंक्स, अल्लाह करे नुमाइश बहुत अच्छी हो। इंशाल्लाह, मिस यू। अगले वीकेंड के लिए हमें अभी से कुछ प्लान कर लेना चाहिए। मुझे लगता है एसोसिएशन की भागदौड़ ने तुम्हें खत्म करके रख दिया। ओह, याद आया मुझे, ऑलरेडी एक पार्टी लाइन अप है नेक्स्ट वीक। तो फिलहाल इस ट्रिप के बारे में सोचो। आई लव यू। हमने तमाम फोन नंबर्स नोट कर दिए हैं, अगर कुछ होता है तो हमें कॉल करें, हम फौरन आ जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा पैकर, तुम इत्मीनान रखो, कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। दूध फ्रिज में रखा है, उसे नीम गर्म करके पिला दीजिएगा। अच्छा अच्छा, तुम ये बात 3 बार दोहरा चुकी हो, तुम लिख के दे दो। वैसे 10 मिनट के बाद या ये कॉल करेंगी या मैं। ओले ले ले, ओले ले ले। हम लोग आपको जहमत दे रहे हैं। कुछ नहीं होगा, तुम इत्मीनान रखो। हम लेट नहीं होंगे, अगर पैकर का काम खत्म नहीं हुआ तो मैं आ जाऊंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपने पोते के साथ अच्छा वक्त गुजारूंगी। चलो शाबाश। अल्लाह मिला शहजादा। हेलो। हेलो एलिफ, मैं समझा तुम यहाँ नहीं हो। मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। तुमने कॉल नहीं की तो सोचा मैं ही कर लूं। क्या तुम रिहर्सल में हो? नहीं, मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड है, कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। I see, डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। No problem. No problem. अब मैं अपने फोन से तुम्हारा नंबर डिलीट कर देता हूँ। थैंक यू, गुड बाय। गुड बाय। गलत मत समझना बहलूल, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो मुझे पसंद करता फोन करता है। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। कमरे में चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखती हूँ बहलूल? मैं जानना चाहती हूँ ये सब दोबारा क्यों? क्या हम अलविदा कहने के लिए एक दूसरे के सामने आए? मैं अपना मुस्तकबिल जानना चाहती हूँ। क्या हम ये बात कल कर सकते हैं? हाँ हिलमी, बोलो। तुम क्या कर रही हो? ड्रोक अभी सो रहा है, मैं घर की सफाई कर रही थी। क्या वो लोग चले गए? हाँ, क्या तुम क्लब में हो? नहीं नहीं, मैं नहीं गया, घर पर हूँ। यहाँ क्यों नहीं आ जाते? फजूल बातें मत करो। वो बहुत स्वीट है हिलमी, तुम यहाँ को उसे देखते क्यों नहीं? घर पे कोई नहीं है। क्यों, ये तुम कैसी बातें कर रही हो आयनूर? मैंने कहा सिर्फ 5 मिनट के लिए, मैं तुम्हें एड्रेस समझा देती हूँ। अगर वहाँ कोई नहीं है तो मैं आ जाता हूँ। ओके ठीक है, तुम आ तो जाओ, यहाँ आओगे तो मैं बता दूंगी। Excuse me. मम्मी, आपको ये कैसा लगा?
मुझे कैसे लगा ये अहम नहीं है, जो कुछ नाकदीन तबसरा करेंगे वो ज्यादा अहम है। क्या आप हौसला अफजाई के लिए कुछ बोल नहीं सकती हैं, चाहे वो झूठी हो? मुझे बहुत पसंद आया। बहुत थैंक यू सो मच। अब चल के कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। बॉन एपिटिट। पैकर क्या बात है, मिसेज आइनूर नजर नहीं आ रही हैं? हमने केयर टेकर को भेज दिया है, वो घर पर डोरक के पास हैं। किस कदर घरेलू खातून है, वो बच्चे की देखभाल के लिए घर पर रुक गई हैं। वो यकीनन तुम्हारे घरेलू मामलात में भी दखल दे रही होंगी। उनको अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार है। क्यों ना उसके साथ चल के खेले, बहुत दिनों से नहीं देखा। ये लोग हमारे पास मंडे को आएंगे, तब तुम उसको देख लेना। वो लिन डोरक को देखने की बात कर रहा है। आई मिस हिम। मैं भी हर वक्त उसे ही सोचता रहता हूँ। पेंटिंग्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं, घर चलते हैं उसकी देखभाल करते हैं। अगर तुम चाहते हो तो ले चलता हूँ। चलिए ना प्लीज। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहन और दिनीज भी जाना चाहेंगी या नहीं। देखता हूँ। वो लोग हैं कहाँ? वो लोग यही हैं। मुझे इसके रंग बहुत अच्छे लगे। हाँ। बहुत खूबसूरत है। कितनी इंटेंसिटी है इसमें। दिनीज? काफी देर से देख रहा था, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम झूठे के झूठे ही रहे। मैं जानता था हम किसी दिन जरूर मिलेंगे। हम एक ही शहर में रहते हैं। लेकिन तुम तो कहीं गायब हो गई। मैंने ढूंढा, बहुत तलाश किया, तुम नहीं मिली। 15 साल बीत गए। क्या वाकई? मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें देखा। खुदा हाफिज़। ये कौन है? चलो। वो अभी देख रही है। मत देखो प्लीज। आप घबराई हुई हैं। प्लीज मुझे बताइए वो कौन है। एक बहुत पुरानी याद, मेरी महरूमी। क्या वाकई? आपने बताया क्यों नहीं? प्लीज मुझे बताइए ना। अभी नहीं, बाद में। सिस्टर, मदमुजेल! यहाँ ऊंची आवाज में बात मत करो। क्या हम पैकर के घर चले? अभी क्यों? अगर तुम चाहो तो तुम्हें निहात लेके चले जाएंगे। मिसेस फिरदौस भी जा रही हैं। हम लोग भी चलें प्लीज। मैं चलूंगी। यस। ऑल राइट, चलते हैं। यस 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 यस, चलो चलो आ जाओ। सो रहा हूँ, तभी तो उसके साथ खेल पाएंगे। जल्दी उसे भूख लग जाएगी और वो जाग जाएगा। मिसेस डिनीज, आप कोई बात नहीं कर रही हैं? मिसेस डिनीज जी। लगता है आप किसी गहरी सोच में हैं। ओ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, बस सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आपको उस नुमाइश से जबरदस्ती ले आए हैं और आप उदास हो गई हूँ? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं,
मैं भी डोरो को बहुत मिस कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा होगा।